केजरीवाल सरकार के 3 साल, क्या है दिल्ली की जनता का हाल? ज्यादा मैं खुश नहीं हूँ, खुश बहुत ही कम रेशो दूंगा, 30 to 40 रेशो दूंगा, 30 to 40 मार्क्स, बिकॉज इसके बहुत सारे रीजन है। उन्होंने जितने वादे किए थे उसके 50% भी वादे वो पूरे करने में असफल रहे। मिला जुला ही रहा है, ना ज्यादा अच्छा है ना ज्यादा खराब है, हल्के फुल्के अपने जो काम है उन्होंने किए हैं, जो उन्हें लगा कि हम कर सकते हैं उस सेक्टर में उन्होंने काम किए हैं, बाद बाकी जैसे चल रही थी वैसे चल ही रही है। पानी की बात है, जरा सा कुछ आदमियों के लिए पानी मिल रहा है, कोई कहीं पानी नहीं मिल रहा है, बिजली की आजा की किसी ग्रुप को हो रहा है किसी को नहीं हो रहा है। क्या केजरीवाल ने पूरे किए वादे? कहीं पर भी कोई काम नहीं होता, जो कहते हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। 100 में से अगर आदमी आधा % पूरा कर दे तो उसे वादे थोड़ा कहते हैं, वादे होते हैं 50% से ऊपर जाने वाली बात। कुछ नहीं है उनके काम, उसने कोई काम जो भी है जितने उसे मिनिस्टर है ना जो भी है सारी सही काम नहीं करते। दिल्ली की जनता की मन की बात। मेरी कॉलोनी में तो इतने हादसे हो रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ भी नहीं हो रहा, कोई सेफ नहीं है यहाँ पर, रोज यहाँ पर रहना कोई ना कोई हादसे होते रहते हैं। काम करना चाहिए उनको, काम करेंगे सपोर्ट दे उसको दे देंगे, काम करना चाहिए। 15 लाख CCTV कैमरे लगवाऊंगा, लेकिन इसके अलावा अभी तक 1 लाख भी CCTV कैमरे उन्होंने लगवाया नहीं होगा। हेल्थ के विभाग में उन्हें थोड़ा सा और ज्यादा करना चाहिए। सुनिए केजरीवाल जी कालका जी से लाइव। नमस्कार, ABP न्यूज के खास कार्यक्रम सुनिए केजरीवाल जी में आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ प्रतिमा मिश्रा। आज का हमारा ये कार्यक्रम आ चुका है दिल्ली की कालका जी विधानसभा क्षेत्र में, वही विधानसभा क्षेत्र है ये जो बहुचर्चित लोटस टेम्पल के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ की जनता आम आदमी पार्टी के 3 साल के कार्यकाल को किस तरीके से देखती है, वो जो तमाम वादे जनता से सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी की सरकार ने किए थे वो पूरे हुए या आज भी अधूरे, इन तमाम सवालों का जवाब जानेंगे और सवाल पूछेगी जनता, जवाब देंगे। यहाँ से कालका जी से अगर हम बात करें तो आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक अवतार सिंह जी हमारे साथ इस बीच मौजूद है, पूर्व इसलिए क्योंकि लाभ के पद के मामले में इनकी सदस्यता रद्द हो चुकी है। बीजेपी से हमारे साथ मौजूद रहेंगे हरमीत सिंह जी जो कि यहीं से पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, और साथ ही साथ कांग्रेस से हमारे बीच मौजूद है पूजा बारी जी जो कि प्रवक्ता है। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए यहां पर। कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले एक जरूरी जानकारी दे दें कि यहां मौजूद जनता को हमने इस तरीके से मांग पत्र सौंपे हैं जिसमें वो अपना नाम, विधानसभा का नाम, व्यवसाय और आप दिल्ली सरकार से क्या चाहते हैं ये लिखकर हमें देंगे, जिसे शो के बाद हम दिल्ली सरकार तक पहुंचाएंगे ताकि जनता की आवाज सीधे सरकार तक पहुंच सके। आप ABP न्यूज की वेबसाइट पर जाकर भी आप केजरीवाल सरकार से जुड़ी राय व्यक्त कर सकते हैं। तो सबसे पहला सवाल अवतार सिंह जी आप ही से है मेरा, चूंकि 3 साल पूरे हो गए हैं कल आपकी सरकार को और आप लोगों ने कहा है कि 70 साल में दिल्ली में जितना काम नहीं हुआ तमाम रुकावटों के बाद आप लोगों ने 3 साल में कर दिया, तो लगातार फिर जो वादे पूरे नहीं हुए उसके लिए आप LG को जिम्मेदार ठहराते हैं कि सारी फाइलें वहां अटकी हुई हैं, तो फिर 70 साल का काम आपने 3 साल में कैसे पूरा कर लिया? ऐसा है, काम आपके सामने बोल रहा है, कल आपने पूरी डिबेट देखी अपना अरविंद केजरीवाल ने 3 साल की जो अपनी रिपोर्ट रखी, वो रिपोर्ट से आपको सब कुछ मालूम हो चुका है कि जो काम किए हैं वो पब्लिक के सामने हैं, और आज पब्लिक इतनी खुश है कि पब्लिक चाहती है कि ऐसी सरकारें आनी चाहिए जो आम लोगों का काम करें, आम लोगों का भला हो, तो ये बिल्कुल एक जबरदस्त बात है। ऐसी सरकार पहली सरकार आई है देश के अंदर जिसने लोगों के भले के लिए काम किए हैं। ओपिनियन पोल का आप जिक्र कर रहे हैं उसमें पिछली बार आपको 67 सीट मिली दिल्ली में लेकिन अब 41 हो रही है, 14% वोट शेयर भी गिरा है आपका, आपको लगता है कि आपके काम के भरोसे ये हो रहा है? ऐसा है, ये पहले आपका ये रुझान था जो आपने पिछली बार कहा था कि 8-9 सीटें आएंगी, तो उस वक्त 28 सीटें आई थी, तो इस बार जो आपने 41 का दिया है, लोग 48% लोग पॉइंट कुछ लोग पसंद कर रहे हैं आपका 41 का है, तो ये अगर 8 की जगह 20 हो सकती हैं आने वाले समय में, 41 की पता लगेगा कितनी सीटें आएंगी। हरमीत सिंह जी जो दावा कर रहे हैं आपको लग रहा है वो पूरा हो पाएगा, क्योंकि इनका कहना है कि भाई हमारे सर्वे में जो दिखाया जा रहा है उससे ज्यादा ही अब तक सीटें आई हैं। मुझे लगता है इनको आप बड़ी अच्छी तरह से पता है, क्योंकि जो जो वादे किए गए, 500 स्कूल बनाने की बात की गई थी आपके सामने है कि इस क्षेत्र के अंदर उस हिसाब से 70 स्कूल बनने चाहिए थे, एक भी स्कूल का निर्माण नहीं हुआ, 2 लाख टॉयलेट बनाने की बात कही गई थी, एक भी टॉयलेट का निर्माण शुरू नहीं हुआ, और जो प्रोग्राम और जो यहाँ पर पहले योजनाएं लेके आए थे जब हमारी सरकार बनी थी, जब हम यहाँ से चुन के आए थे, वो सारी योजनाओं को रद्द कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि जनता बहुत सूझवान है और आने वाले समय में इनको मैंडेट। 15 साल शीला दीक्षित की भी सरकार रही पर इन्होंने कहा है कि 70 साल में जितना विकास नहीं हुआ, जितना काम नहीं हुआ उतना इन्होंने 3 साल में कर दिया, ये कहीं धुआं तो नहीं उड़ाया जा रहा है? मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी, आम आदमी पार्टी अब आम आदमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पार्टी बन गई है।
526 करोड़ के इश्तेहार देने से, ढंडोरा पीटने से हकीकत बदली नहीं जाती है। बी एट अर्बन पुअर, बी एट हेल्थ, बी एट एजुकेशन, किसी भी फील्ड में अपने आंकड़े दिखा दीजिए। मैं लेके आई हूँ आंकड़े काउंटर करने के लिए, और आप ही के वेबसाइट से, दिल्ली गवर्नमेंट के वेबसाइट से लेके आए हैं। 2 लाख पेंशन्स नहीं दी गई है। उन्होंने बोला था रोजगार देंगे 9 लाख, 11,000 रोजगार अभी तक गए हुए हैं। जहां झुग्गी वहां मकान इनका लोगो था, कहां पर है मकान आप बताइए? 200 एकड़ खाली पड़ा हुआ था, अभी तक नहीं। सारे सवाल है, चलिए जनता से भी सवाल ले लेते हैं। आपस में एक दूसरे के काम को जो है वो कहा जा रहा है, नकार दिया जा रहा है कि उन्होंने नहीं किया, उन्होंने किया। जनता क्या कहती है, काम हुआ है? देखो ये कहते हैं 3 साल हमने बहुत काम किया है। एक तो बुजुर्गों के लिए सबसे बड़ा काम किया है कि 70 साल, 80 साल, 100 साल का बुजुर्ग पेंशन के लिए लाइन में हर वार्ड के अंदर लगा रहा। किसी ने नहीं सोचा कि इन बुजुर्गों को डोर टू डोर अपना कन्वेंशन। दूसरा यह देखिए सामने, यह गरीबों के मकान जो कांग्रेस के टाइम बने हैं, इस 3 साल में एक मकान नहीं बना, ये बन के तैयार हो चुके हैं। चलिए पेंशन की समस्या क्या आप में से भी किसी को हो रही है? आप लोग कह रहे थे पेंशन मैडम नहीं मिल रही है, 1.5 साल हो गया पेंशन के धक्के खाते रहे। गरीब आदमी, विधवा मैं हूँ, बेटा मेरा नहीं, मकान मेरा नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ? जी मैम क्या कहना चाह रही? हाँ जी, जब से सरकार आई है पेंशन नहीं मिल रही है। नहीं आपको? सर आप लोगों ने तो दावा किया है कि दिल्ली सरकार जितनी पेंशन दे रही है किसी और राज्य में नहीं है, तो फिर यहाँ जो बुजुर्ग हैं वो शिकायत करेंगे पेंशन नहीं मिल रही? ऑनलाइन पेंशन हो चुकी है, और ऐसा जैसे ये धांधली करते थे अपनी वोट इकट्ठे करने के लिए, अपने लोगों के पास जा जाके उनकी पेंशन लगाते थे, पर इस वक्त जो कि जो सरकार है वो ऑनलाइन कर दिया, और हमारे पास जो भी आता है उसकी सबकी पेंशन लग रही है। ये जो बोल रहे हैं भाई साहब, ये खुद मेरे पास अपने लोगों को लेके पेंशन लगवाने के लिए आते हैं, इनको पूछो, ये मेरे पास पेंशन लेके आते कि नहीं आते? रिकमेंड करते हैं भाई साहब ये पेंशन लगवा देना। महिलाएं शिकायत कर रही है, आपका कहने का मतलब ये झूठ बोल रही है? बिल्कुल, ये ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है। हमारी 1200 पेंशन हुई थी, हमने 1212 कर दी है, और उसके बाद जो विडो है या हैंडीकैप है उनकी पेंशन निरंतर चल रही है। अच्छा चलिए, इनका कहना है कि पेंशन मिल रही है। हाँ जी, किसी और के कुछ सवाल? हाँ जी बोलिए सर। अभी फिलहाल में मेरे पिताजी की पेंशन बनी है, अवतार जी कालका जी की तरफ से मेरे पिताजी की पेंशन अभी मिली है। ठीक है, कुछ लोग कह रहे हैं मिली है, कुछ लोग कह रहे नहीं मिली। हाँ मैम। मैम हमने भी कई लोगों की अपनी कालकाजी विधानसभा से पेंशन बनवाई है। ये जो बोल रहे हैं इनको या तो शिक्षा की कमी है कि इनको पता ही नहीं चलता कि पेंशन बनवा। आरोप प्रत्यारोप न करिए। किसी की कोई समस्या है यहाँ पर, कोई बताना चाहता है? दिल्ली सरकार ने काम किए नहीं किए 3 साल में? क्या बोला जी? नहीं, कोई काम हुआ है 3 साल में आपके हिसाब से क्या? ए भाई साहब, जो आप कह रहे हैं कांग्रेस ने कुछ नहीं करा, यहाँ क्या 70 साल से पहले क्या बनता था? 70 साल हम तो पैदा हुए जब जब हम कुछ नहीं बनता था। अब सुई तक नहीं बनती थी, कोई इंची टेप नहीं बनते थे, कुछ नहीं बनता। अब हवाई जहाज तक भी बनते हैं। सर जो वादे किए गए थे सत्ता में आने से पहले, क्या सारे वादे आपको लगता है पूरे हुए हैं, और या फिर उसमें आधे भी पूरे हुए? देखो जी, केजरीवाल ने 3 साल में आके बहुत काम किए हैं, और वादे उन्होंने बहुत हद से ज्यादा किए हैं, और आने वाले टाइम में बहुत करेंगे ये। चलिए मैम, लेकिन लोग तो उम्मीद जता रहे हैं इन लोगों से। आप लोग कह रहे हैं वादे पूरे नहीं हुए, लेकिन लोग उम्मीद जता रहे हैं। मैं आपको एक बात, बिकॉज अवतार जी ने बोला है कि ऑनलाइन सब कुछ होता है, और मैं खुद वॉलंटियर करती हूँ, EWS अभी एडमिशन्स हुई थी, उसी का मैं एक एग्जांपल आपको देखती हूँ। मेरा हेल्प, डोमेस्टिक हेल्प को मदद चाहिए थी, दे कॉल्ड अप द हेल्पलाइन नंबर एंड नोबडी हैड एनी आइडिया कि ये फॉर्म कैसे भरेंगे। पेंशन आपको लगता है ये माता जी को पता होगा ऑनलाइन कैसे करते हैं? आपकी हेल्प कहाँ पर है? वेयर इज योर एक्स्ट्रा हेल्प फॉर दीज पीपल? हमारे जो अपना बैठे हुए हैं ऑफिस के अंदर, बड़े प्यार से उनको रिगार्ड करते हैं, आके बिठाते हैं, चाय पानी पिलाते हैं, और जो नहीं भर सकता उनको बिल्कुल भर के देते हैं। तो ये ऑफिस में चाय पानी पिलाते हैं, वो तो हमने देख लिया है। आई माई सेल्फ हैव बीन थ्रू दिस। आप इनसे पूछो क्या वो ऑनलाइन कैसे जाएंगी? हाँ, आपका ये ड्यूटी है, पेंशन इनके घर पहुंचना चाहिए। हाँ जी हरमीत जी, अभी अवतार जी ने बोला कि ऑनलाइन इसको भरा जाता है, और साथ में अभी कह रहे हैं कि हमारे ऑफिस में जो आएगा उसकी लगेगी। मेरे को समझ नहीं आया फिर ऑनलाइन का पर्पस क्या है। ऑनलाइन का पर्पस ये है कि घर बैठ के उसको सुविधा मिले। अगर इनके घर ऑफिस जाके ही किसी को हरी को माथा टेकना है तो मुझे समझ नहीं आता कि ये सरकार किस हिसाब से काम कर रही। चलिए यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप ही हो रहा है, अभी भी जनता से और सवाल ले लेते हैं। सबसे बड़ा वायदा युवाओं को पूरी दिल्ली को वाईफाई करने का था। दिल्ली को वाईफाई है किसी के फोन में? अभी वाईफाई का सिग्नल पूरी दिल्ली में नहीं है। कितने परसेंट वाईफाई दिल्ली हुई है जरा पूछ के बता दीजिए। हाँ जी, वाईफाई मिला है क्या किसी को अभी तक? अभी जो ऐसा है, काम चल रहे हैं सारे, अभी उसका जो बजट है एलोकेट कर दिया उन्होंने, और बहुत जल्द ये वाईफाई लगने वाला है। पर 3 साल तो गुजर गए ना सर, जो काम और किए हैं, जो किया है वो करेंगे। अभी 5 साल की सरकार है ये, 5 साल में वो वादे पूरे करने सारे हमने जो कर रहे हैं, और उसके लिए होगा। अगर बात करते हैं चाहे कैमरे की हो,
हर चीज को सिस्टम से कर रहे हैं, ना कि उसमें भ्रष्टाचार ना हो। आपको नहीं लगता सर युवाओं का वोट आपको वाईफाई के नाम पर, महिला सुरक्षा के नाम पर महिलाओं का वोट मिला, वही वादे पूरे नहीं हुए? बजट एलोकेट कर दिया है अपना दिल्ली सरकार ने, होगा उसका? हाँ जी, आप ये बात बताइए, तीन साल छोड़िए, 100 दिन के अंदर आपने बोला था स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट में 5.5 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को लाइसेंसेस मिलेंगे, कितनों को मिला है आप ये बताइए? कांग्रेस ने 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लाए थे, अब कितने लोग बेरोजगार हैं? 20 लाख लोग इफेक्ट होते हैं इससे। वेयर इज द स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट, वेयर आर द लाइसेंसेस? आप ये बताइए, मार्शल्स कहाँ है, सीसीटीवी बसेस में कहां पर है, ये बताइए आप। जो बिल्कुल जिस इसी के बूते औरतों ने, बच्चों ने आपको वोट दिया था, यूथ ने वोट दिया था, अब कहां पर है वो? तीन साल मत सुनाइए, 100 दिन में बोला था। हमारे यहाँ पर अभी इस वक्त बहुत सारे कैंपों से लोग बैठे हैं, मैं उनसे भी पूछना चाहता हूँ, जो वादा शौचालयों के बारे में किया था उनके बारे में अवतार जी बता सकते हैं। और इन्होंने जो बात कही है कि फंड्स एलोकेट होते हैं, मैं इनको पूछना चाहता हूँ कि 15 करोड़ रुपया इनको 3 साल के अंदर फंड मिला, उसमें से इन्होंने कितना यूटिलाइज किया इस इलाके के लिए? और अगर ऑनलाइन जाके चेक करो तो उसमें 2.5 से 3 करोड़ रुपए से ऊपर का इन्होंने किया, 12 करोड़ रुपया लैप्स हो गया जो यहाँ की जनता। कुछ और सवाल लेती हूँ फिर आपके पास आती हूँ। हाँ जी मैम, क्या कहना चाहती? हाँ जी मैडम, पहले तो मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि मैं इंडिया में पैदा हुई हूँ और बहुत अच्छी मतलब है यहाँ के लोग हैं। ये जो एक दूसरे की आपस में पार्टीबाजी की लड़ाइयों में हो रही है, पहले ये हमें सबसे बड़ा क्वेश्चन उठना है कि जो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पहले बताओ बेटियों के लिए सुरक्षा कहाँ से है? कभी किसी ने सोचा है सुरक्षा करने के लिए? हरियाणा जी के जो बीजेपी के बलारा जी हैं वो औरतों का पीछे छेड़ते हैं और जेल के अंदर हैं, तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, औरतों के लिए क्या किया जा रहा है? जी बताइए मैम, ये बार बार हमारे पे एलिगेशन लोग लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी ने। अगर आपको गुस्सा हो, नहीं नहीं सर, उसके लिए आपके उसके जवाब देने के लिए विधायक है मैम हमारे बीच में, वो सवाल का जवाब वही देंगे क्योंकि उनको आपने वोट दिया है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल आया है, इसमें मैं बीजेपी से भी सवाल करूंगी और आपसे भी करूंगी। आपने महिला सुरक्षा के लिए होमगार्ड्स लगाने की बात कही थी, वो वादा हवा हवाई है, दिल्ली पुलिस आपके पास है, छेड़छाड़ तो अभी भी चल रही है, तो दोनों पे सवाल बनता है। मैं पहले इनकी बात का जवाब दूंगा, ये बात कर रहे थे कि हमारे शौचालय कहाँ बने क्या हुआ। इनकी सरकार ने कहा था कि हम पूरी दिल्ली में सब जगह शौचालय बनाएंगे, बाहर रोड के ऊपर जो बनने चाहिए थे कहां बने इनके मेरे को बताएं। हमारी विधानसभा में 26 शौचालय हैं, जब हम आए अपने 22 शौचालय कंप्लीट होके चल रहे हैं और 2 अपना अंडर कंस्ट्रक्शन है, 2 और बनेंगे जब अभी 3 साल हुए हैं, 5 साल में हो जाएंगे। तो ये क्या बात कर रहे हैं, ये हमारे को बात सुना रहे हैं? ये अपनी बात कर रहे हैं, दिल्ली सुरक्षा प्रबंधक कमेटी के स्कूल चल रहे हैं, इनके स्कूलों में आज बच्चों का फीस नहीं है, चेयरमैन महिला सुरक्षा पे भी जवाब दे दीजिए। अब आपने सुना सवाल, दिल्ली पुलिस का काम बनता है ये अपना सेंटर के। तो आपने भी तो होमगार्ड्स रखने की बात कही थी, महिला सुरक्षा दल बनाने की बात कही थी, उसका क्या हुआ? DTC की बसों में कैमरे लगे हुए हैं, हर जगह कैमरे लग जाएंगे। आपको याद होगा DU की छात्रा के साथ कुछ दिनों पहले छेड़छाड़ हुई, ना उस बस में CCTV थी, ना वहाँ महिला मार्शल थी। देखो ऐसा है, जो करप्शन चल रही थी उसको रोकने के लिए सरकार ने अच्छे कैमरों का इंतजाम किया, वाईफाई कैमरे सारे बिना वायर के कैमरे लगेंगे और बड़ा अच्छा सिस्टम आ रहा है। जो ये गलत काम कर रहे थे, अभी आने वाले समय में हर जगह कैमरे लग जाएंगे और हमने हर RW से हमने अपने लोकेशन ले लिया है और बहुत जल्द ये 1.5 महीने के अंदर कैमरे लगने चालू हो जाएंगे। दिल्ली पुलिस क्या कर रही है सर? ये तो चलिए अभी भी वादे ही कर रहे हैं आप, बताइए दिल्ली पुलिस तो आपके पास है? बिल्कुल, दिल्ली पुलिस इसके ऊपर काम कर रही है और जो ये बातें दूसरों पे अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रहे हैं, आप और हम अभी यहाँ से चलते हैं और देखते हैं कौन सी DTC बसों के ऊपर कैमरे लगे हैं, अगर लगे हैं तो ऑन रिकॉर्ड लेके आए, दिखाएं किसी को। अगर इनके कहने से सिर्फ नहीं लगे हैं, और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर बैठे किसी भी एक आदमी से पूछ लो जो DTC से आया है कि वाकई कैमरे लगे हैं कि नहीं लगे। केवल आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं पूजा जी, और सवाल अभी भी खड़ा है कि महिलाओं को सुरक्षा कौन देगा? क्या सड़कों पर निकलने महिलाएं बंद कर दें क्योंकि उन्होंने होमगार्ड्स का वादा किया, वो कहते हैं फाइल अटक गई, या फिर अभी टेंडर हो रहा है और उनका कहना है कि दिल्ली पुलिस मुस्तैद है, तो फिर छेड़छाड़ क्यों हो रही है? आम आदमी पार्टी तो सिर्फ ब्लेम गेम शिफ्टिंग में ही है, LG सेंटर आम आदमी यही चलता जा रहा है। अगर मार्शल्स हैं, अगर CCTV कैमरा उस बस में है, तो उस लड़की ने अपने आप क्यों वीडियो बनाई उस लड़के के जो छेड़छाड़ कर रहा था? आप ये बताइए, निर्भया फंड भी लैप्स होता है यहाँ पर, तो आप हमको ये सब आप नहीं सेंटर बस यही 3 साल में आपकी यही उपलब्धि है, ब्लेम में बिल्कुल माहिर हो जाए आप, उपलब्धि यही है आपकी सिर्फ कि ब्लेम गेम इधर से उधर ट्विस्ट करते रहे, बस यही उपलब्धि। उम्मीद कर रही हूँ मैं सर, उम्मीद कर रही हूँ कि कोई समाधान निकलेगा यहाँ समस्याओं का। यहाँ पर भी कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप ही हो रहे हैं, कोई दिल्ली पुलिस को लेकर सवाल उठाया कर रहा है, तो कोई उन वादों पर सवाल खड़े कर रहा है जो सत्ता में आने से पहले आम आदमी पार्टी ने जनता से किए थे। तो कल मेरे साथ एक बार फिर से चांदनी चौक शाम 5:30 बजे देखना ना भूलिएगा, सुनिए केजरीवाल जी लाइव। ये है ABP News, आपको रखे आगे।